नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है ये एनिमल किंगडम है, जो कि फोर्थ चैप्टर है आपका। इसमें आपको यहाँ शुरुआत में तो चैप्टर में बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन बताए गए हैं, उसके बाद एक एक किंगडम करके आपको बताया है, ठीक है। तो पहले आप जरा सा जितना कुछ इन्होंने बेसिक्स में बताया वो जान लीजिए। चलिए देखते हैं लिखा क्या है। क्या लिखा है, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट एंड द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग ए सिस्टमैटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड सेल्स न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। तो यहाँ आपको क्लासिफिकेशन तो आप पहले जान ही चुके हैं, इससे पहले आप क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ केवल एनिमल के बारे में एक एक कैरेक्टर को आपको बताया जाएगा, कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, किस किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। शुरू से देखो, लिखा है बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स बॉडी सिमेट्री नेचर ऑफ सीलोम पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. तो सबसे पहले जो ये डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। शुरू से सबसे पहले सेलुलर लेवल से शुरू करते हैं। तो यहाँ वही सब है जो मैंने आपको वहाँ बेसिक्स में बताया था, उससे कम है। देखिए लिखा है, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट। तो पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है एनसीईआरटी से वो ये है कि लूज सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन जो मिलता है वो आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो लिखा है सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स। इसका इस लाइन का मतलब ये है कि कुछ सेल्स में उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यानी इसका मतलब ये है कि आप जब पोरीफेरा में आपको बताऊंगा तो वहाँ मैं आपको टाइप्स ऑफ सेल्स बताऊंगा जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन का फंक्शन, डाइजेशन का फंक्शन, एक्सक्रीशन का फंक्शन। वहाँ अलग अलग काम जो होता है वो बॉडी का, वो अलग अलग सेल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। कि क्योंकि वहाँ ऑर्गन तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको अच्छे से वहाँ देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके सीलेंट डेटा, जो जैसे ही आपके सीलेंट डेटा आएंगे तो सीलेंट डेटा में आपका क्या होगा, टिश्यू बन जाएगा। सीलेंट डेटा में आपका टिश्यू फॉर्म हो जाएगा सेल से, पहले सेल लूज थी अब सेल टिश्यू बना रही है। टिश्यू मतलब क्या कि एक सिमिलर ग्रुप, सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो एक कॉमन फंक्शन करता है, वो आपका टिश्यू होता है। तो यह लिखा है द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इन टू टिश्यूज। तो सेल्स जो कि आपकी सिमिलर फंक्शन करती हैं वो आपकी क्या होती हैं, टिश्यू बनाती हैं, एंड हैंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको क्या कहते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ आपका जो सीलेंट डेटा में वो क्या हुआ, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुआ। इसके बाद टिश्यूज़ ने ऑर्गन्स बनाए। तो आपको पता है कि इसके बाद आएंगे सीलेंट डेटा के बाद प्लेटियल मेंथीज। तो भाई प्लेटियल मेंथीज में आपका कैसा आ गया है, ऑर्गन लेवल आ गया, ठीक है। इसके बाद ऑर्गन्स जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, लाइक तुम्हारी तरह जैसे हार्ट, किडनी, इनका सबका सिस्टम है, आपस में इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। तो वहाँ भी क्या होगा, इसके बाद फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, अनदर हायर फाइला दे वेयर द टिश्यू वर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स ईच स्पेशलाइज फॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन एंड इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा, एनिलिडा या इससे पहले एस्केलमेंथीज भी, वो इन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे, ठीक है। प्लेटीएलमेंथीज के बाद आप आज आता है आपका एस्केलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इससे आगे जो है उनमें सब में आपको क्या मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। यानी सारे ऑर्गन्स जो मिलकर के एक फंक्शन रिलेटेड, मतलब आपस में इंटर रिलेटेड फंक्शंस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स ऑर्गन हैव एसोसिएट टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम एनी सिस्टम कंसर्न विद स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन
दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता लग गया है कि भाई प्लेटियल मेंथीज से आगे देखो सेल लेवल आपका कहाँ है, स्पॉन्जिस में है। सेल लेवल के बाद टिश्यू लेवल आपका है सीलेंटेटा में और टीनोफोरा में। प्लेटियल मेंथीज में आपके ऑर्गन लेवल है, उसके बाद एस्केल मेंथीज में आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल है, उसके बाद आपके सारे के सारे जो है आगे वो ऑर्गन सिस्टम लेवल को शो करते हैं अप टू द कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट लिखा है कि ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटियल मेंथीज। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा एक सवाल एनसीईआरटी वाला कि प्लेटियल मेंथीज में आपको सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, यानी कि यहाँ पर आपको जो मिलेगी ओपनिंग वो आपकी एक ही ओपनिंग होती है बॉडी में। हमने आपको बताया कि इस तरह का जो बॉडी प्लान होता है जिसमें आपकी एक ही ओपनिंग मिलती है उसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि भाई ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसमें होता है, तो आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान आपको सीलेंटेटा में और प्लेटियल मेंथीज में देखने को मिल जाएगा। ऐसे में बॉडी में एक ही पोर होता है, उसी से ही जब एंट्री और उसी से एग्जिट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखा है डिजेंस कोड इनकम्प्लीट। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन जो बन के निकलेगा वो सवाल होगा कि भाई बताओ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें से किसमें होता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपका किसमें होता है, प्लेटियल मेंथीज में होता है, उसमें जिसमें कि बॉडी में एनस या माउथ एक ही होता है, ठीक है। यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें दो ओपनिंग होती है माउथ और एनस। तो इसके अलावा है उन्होंने कुछ और नहीं बताया इसके अलावा। नेक्स्ट लिखा है कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप वो होता है इसमें ब्लड जो होता है वो भरा रहता है बॉडी में साइनसिस के अंदर, गड्ढों के अंदर, कैविटीज के अंदर, ठीक है ना। डायरेक्टली जो ऑर्गन्स होते हैं वो डूबे रहते हैं उसके अंदर ब्लड के। और क्लोज टाइप आपका जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहा होता है, लाइक आर्टरीज में होगा, वेन्स में होगा, कैपिलरीज में होगा। तो क्लोज टाइप में आपको बता देता हूँ कि क्लोज टाइप में आपका आएगा एनिलिडा और ऑर्थ्रोपोडा, सॉरी एनिलिडा और कॉर्डेटा। एनिलिडा और कॉर्डेटा में आपको देखने को मिलता है क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसके अलावा ओपन टाइप आपको देखने को मिलेगा ऑर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, हेमिकोर्डेटा में, इनमें आपको देखने को मिलेगा ओपन टाइप, ठीक है। और इससे पहले जो ऑर्थोपोडा से पहले जो आपका आएगा एनिलिडा उसमें क्लोज है और आपका एस्केल मेंथीज तक ब्लड होता ही नहीं है। मतलब पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटियल मेंथीज, टीनोफोरा, एस्केल मेंथीज, इनमें ब्लड होता ही नहीं है। ये ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो शुरू हुआ है वो आपका शुरू हुआ है कहाँ से, एनिलिडा से। एनिलिडा में सीधा क्लोज है, उसके बाद ऑर्थोपोडा ओपन, मोलस्का में ओपन, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, उसके बाद हेमिकोर्डेटा में ओपन, और कोर्डेटा में आपका कैसा है, क्लोज है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं। तो सिमेट्री में आप जो डायग्राम दो बराबर में आप देख रहे हैं, देखिए एक तो ऊपर दिख रहा है आपको, एक नीचे दिख रहा है। ऊपर वाले डायग्राम में आप देखो कि उसको किसी भी बॉडी प्लेन से काटा गया है, किसी भी बॉडी एंगल से काटा गया है, और आपकी बॉडी जो है वो दो बराबर भागों में बट गई है। इस तरह का जो बॉडी प्लान होता है वो आपका रेडियल सिमेट्री कहलाता है। जबकि जिस बॉडी प्लान में आपका एक ही पॉइंट ऐसा हो जहाँ से काटने पर दो बराबर भागों में बटता हो वो आपका क्या कहलाता है, बाइलेटरल सिमेट्री। लाइक इस तरह से आपका क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री है। तो दो तरह की सिमेट्री होती है, एक रेडियल और एक बाइलेटरल, और एक होती है एसिमेट्रिक। स्पॉन्जेस जो होते हैं, क्योंकि स्पॉन्ज मतलब क्या होता है, जैसे आप ये समझ लो कि कोई सिमेट्री नहीं होती स्पॉन्जेस के ना, लूज सेल एग्रीगेट है, कोई तरीका ही नहीं है लगने का ना। तो स्पॉन्जेस आपके कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। जबकि इसके बाद वाले जो आपके सीलेंटेटा है, पोरीफेरा के बाद सीलेंटेटा, वो आपके रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। उसके बाद जो आपके आते हैं टीनोफोरा, वो आपकी बायरेडियल सिमेट्री और रेडियल भी शो करते हैं। उसके बाद आपके प्लेटियल मेंथीस से बायलेटरल सिमेट्री शुरू हो जाती है। प्लेटी से बायलेटरल शुरू होकर प्लेटी में बायलेटरल होगी, उसके बाद सब में बायलेटरल होगी, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट को छोड़ दें तो। तो इस पैराग्राफ से आपको सवाल निकल के आएगा वो यही होगा कि स्पॉन्ज आपके एसिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो दो बराबर भागों में नहीं बटेंगे। अगर आपका कोई एक सिंगल प्लेन है जहाँ से, सॉरी अगर आपके ऐसे कई सारे प्लेन हैं कि किसी भी प्लेन से काट दो और बॉडी जो है वो दो भागों में बट जाए तो रेडियल सिमेट्री कहलाती है। रेडियल सिमेट्री आपके देखो कहाँ है, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्म्स। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर इकाइनोडर्म्स वाला, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा जो है वो है तो एडवांस ऑर्गेनिज्म लेकिन उनमें रेडियल सिमेट्री है। ये ध्यान रखना कि इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट की बात हो रही है, ठीक है। एडल्ट में कैसी होती है, रेडियल, पर लोअर लाइफ जो उसकी होती है
उसमें क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है ना। एनिमल लाइक एनिडा, ऑर्थोपोडा एक्सेट्रा जितने भी आगे हैं सारे, उनमें कैसी मिलती है, बॉडी दो बराबर भागों में बटती है एक ही प्लेन से, एंड देयर इज ओनली वन प्लेन जहाँ से आप सेंटर से होते हुए काटोगे तो दो बॉडी पार्ट बन जाएंगे इक्वल, तो इसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक आपको पता है कि डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक लेयर दो होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और जिनमें तीन होती हैं मीजोडर्म भी होती है, दे आर कोल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको ध्यान रखना है जहाँ से बायलेटरल सिमेट्री शुरू हुई है, यानी प्लेटियल मेंथीस से बायलेटरल सिमेट्री शुरू हुई है, तो उसी से ही आपको ध्यान रखना है कि वहीं से ही आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक भी शुरू होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी वहीं से शुरू होगा, इस बात को दिमाग में सेट करना है, ठीक है। प्लेटियल मेंथीस से ही आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक भी शुरू होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको बायलेटरल सिमेट्री जहाँ दिख रही है वहाँ पर आपका क्या होगा, मीजोग्लिया, बीच में एक जिलेटिन भरा होगा, जिलेटिन या शीत टाइप का, उसको कहते हैं मीजोग्लिया। तो डिप्लोब्लास्टिक में आपको मीजोग्लिया देखने को मिलता है। यहाँ लिखा है कि भाई डिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें कि एक्टोडर्म एंडोडर्म होती है, और डिप्लोब्लास्टिक आपके कहाँ तक होते हैं, सीलेंटेटा है जैसे कि, या फिर आप इससे पहले पोरीफेराव कह सकते हैं। इसके बाद है अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया, इसमें भरी होती है, ठीक है, बीच में। और जो आपके वो होते हैं क्या बोलते हैं उनको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उनमें आपकी तीन लेयर्स होती हैं, एक आपका क्या होता है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो यहाँ लिखा है कि दोज एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर, वो एनिमल जिनमें की तीन जर्मिनल लेयर होती हैं भैया, उनको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी प्लेटिटू कोर्डेट। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, प्लेटियल मेंथीस से कोर्डेट। तो आपको देखो ध्यान रखना है बायलेटरल सिमेट्री भी वहीं से शुरू हुई है प्लेटी से ही, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी प्लेटी से ही शुरू हुआ है, ठीक है। जबकि प्लेटी आपके फ्लैट हैं, आप समझ रहे हो, प्लेटी हेलमेंथीज मीन्स टू से दैट फ्लैट वर्म्स। तो फ्लैट वर्म्स में कैविटी के नाम पर कुछ नहीं है, कैविटी नहीं हो सकती, फ्लैट वर्म्स। प्लेटी के बाद आपको पता है एसके हेलमेंथीज आते हैं, तो वहाँ जो है कैविटी थोड़ी बहुत आएगी, और एसके हेलमेंथीज के बाद एनिलिडा आएंगे, वहाँ अच्छे से कैविटी बन जाएगी। अब ये कैविटी क्या होती है, कैविटी को यहाँ पर कह रहे हैं सीलोम। तो ट्रूस सीलोम वो आपकी वो होती है जो आपकी गट, देखो ये सेंटर पैरा डायग्राम आप देखने की कोशिश करना, इसमें सेंटर पे आपकी क्या है, गट है, ये है गट, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल। गट के बाहर आपकी जो है मीजोडर्मल लाइनिंग्स है, ये रेड वाली जो है मीजोडर्म है, लाइक ये है मीजोडर्म। आप देखो जो कैविटी है आपकी, कैविटी के बीच, कैविटी के इधर बाहर की तरफ भी मीजोडर्म है, कैविटी में अंदर की तरफ भी मीजोडर्म है, यानी गट के बाहर भी मीजोडर्म है, और गट और कैविटी के बाहर भी मीजोडर्म है, अंदर की तरफ भी मीजोडर्म है, यानी कैविटी आपकी दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई है। तो ये जो कैविटी आपकी होती है, जो दोनों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई कैविटी होती है ना, इसी कैविटी को आपकी कहा जाता है सीलोम। अगर ये ऐसी नहीं है तो आप इधर वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये कैविटी जो बराबर में दिख रही है इसको कहा है स्यूडो सीलोम। तो आपको ऐसे याद रखना है कि प्लेटी मतलब फ्लैट, फ्लैट मतलब कैविटी नहीं, प्लेटी के बाद आपके एस्के हेलमेंथीज आते हैं, एस्के हेलमेंथीज आपके राउंड राउंड वर्म्स हैं। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि भाई फ्लैट के बाद एकदम से कैविटी नहीं बन जाएगी ओरिजिनल वाली, वहाँ पर जो कैविटी होगी, ये कैविटी जो आप देख रहे हैं ये ब्लास्टोसील से बनी हुई कैविटी है, ब्लास्टोसील से, ना कि ये सीलोम है। सीलोम होती तो ये जो मीजोडर्मल पाउच इसके अंदर पड़े हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये दीज आर मीजोडर्मल पाउच, ये मीजोडर्मल पाउच जो होते हैं भाई आपके, ये आपके फैल जाएंगे, खुल जाएंगे, और खुल करके पूरे में फैल जाते हैं, तब जा करके ये कैविटी जो मीजोडर्मल पाउच के अंदर जो कैविटी है ना, ये आपकी सीलोम का फॉर्मेशन करती होती है। तो इस तरह की आपकी क्या कहलाती है, स्यूडो सीलोमेट कहलाएगा। थर्ड है आपका ए सीलोमेट, यहाँ आपकी कोई कैविटी नहीं है बिल्कुल भी, देखो आपको कोई कैविटी नजर नहीं आ रही, सेंटर में आपकी गट है और यहाँ कोई कैविटी नहीं है। तो शुरुआत वाले जो होते हैं आपके फ्लैट वर्म्स की बात करते हैं, तो फ्लैट वर्म आपके कैसे होंगे, देखो फ्लैट वर्म आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, ट्रिप्लो मतलब देखो उसमें एक्टो है, मीजो है, एंडो है, तीनों लेयर हैं, एक्टो मीजो एंडो, परंतु यहाँ कोई कैविटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटियल मेंथीज होता है, परंतु वो आपका क्या होता है फ्लैट वर्म होता है, उसमें कैविटी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि भाई प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, एंड द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मीजोडर्म इज कोल्ड एज द सीलोम। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है कि बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइंड होती है उसी को सीलोम कहा जाता है। द एनिमल पजिंग सीलोम आर कोल्ड सीलोमेट, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं सीलोमेट्स, यानी कि एनिलिडा
मोलस्का से लेकर के जितने आगे हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, सीलोमेट हैं, ठीक है ना। फिर एनिलिडा से पहले और प्लेटिक के बीच में आपका कौन आता है, एस्केलमेंथीज, यानी यहाँ एस्केलमेंथीज की बात होगी। अब कि इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज पाउच। तो स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में मेसोडर्म जहाँ मिलती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। स्यूडोसीलोमेट आपका होता है एस्केलमेंथीज, यानी राउंड वर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट में लिखा है एसीलोमेट। एसीलोमेट आपके हैं प्लेटी एलमेंथीज, क्योंकि उनमें कोई किसी तरह की कोई भी कैविटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये था कैविटी के बारे में। इसमें अगर आप जैसे एसीलोमेटा में इन्होंने पोरीफेरा नहीं लिखा है, सिलेंटेटा नहीं लिखा, तो वो भी कोई बात नहीं, वो इसी में ही आते हैं, वो बताया नहीं है। तो इससे पहले वाले सब बिना कैविटी के हैं, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, ठीक है ना, इनमें कोई कैविटी नहीं होती। अच्छा, जहाँ स्यूडोसीलोमेट्स हैं तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि कैविटी जो है ना वो ये कैविटी जो है ये डेवलप्ड बाय ब्लास्टोसील है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ऊपर भी लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ कैविटी डेवलप्ड बाय ब्लास्टोसील। कैविटी जो है वो ब्लास्टोसील से डेवलप्ड है, ठीक है, ब्लास्टोसील से डेवलप हुई है। वो आपकी मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती, मेसोडर्म लाइंड मतलब पेरिटोनियम से लाइंड नहीं होती है, ये ध्यान आपको रखना है, पेरिटोनियम की लाइनिंग नहीं होती। मेसोडर्म इन फ्यूचर में पेरिटोनियम बनाती है, तो इसकी कैविटी जो है वो पेरिटोनियम से लाइन नहीं होती, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी के बॉडी सेगमेंट्स। तो लिखा है इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन होता है उसमें बार बार। तो इस फॉर एग्जाम्पल अर्थफॉर्म आप देख लो तो बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई मेटामेरिज्म क्या है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो मेटामेरिज्म आपको बताना है कि मेटामेरिज्म क्या होता है। बॉडी सेगमेंट्स को कहते हैं, बॉडी सेगमेंटेशन होने को कहते हैं जिसमें हर एक सेगमेंट है वो आपका मेटामर कहलाता है, ठीक है। हर एक सेगमेंट आपका क्या कहलाएगा, मेटामर। आपको अर्थफॉर्म में आपको आराम से सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, जबकि आप अगर अर्थफॉर्म यानी एनिलिडा से थोड़ा सा पीछे हटोगे तो वहाँ आपको एस्केलमेंथीज में राउंड वर्म्स में कोई सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता होता। चलिए नेक्स्ट है नोटोकोड। नोटोकोड का होना और या ना होना दो बातें बताता है। अगर नोटोकोड प्रेजेंट है तो भाई आपका वो जो ऑर्गेनिज्म है वो आपका कहलाएगा कोर्डेट, और अगर आपके नोटोकोड एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो आपका ऑर्गेनिज्म कहलाएगा नॉन कोर्डेट, ठीक है। तो नॉन कोर्डेट जो आपके होते हैं वो पोरीफेरा से ले करके, नॉन कोर्डेटा जो होते हैं वो आपके कहाँ से होते हैं, पोरीफेरा से ले करके इकाइनोडर्मेटा तक होते हैं। उसके बाद आपका आता है इकाइनोडर्मेट्स, ठीक है ना। नॉन कोर्डेटा के बाद क्या आता है, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म, ठीक है। वो इकाइनोडर्म आपका क्या बोलते हैं उसको, इकाइनोडर्म के जस्ट बाद आपका हेमिकोर्डेटा आएगा। वहाँ फिर हेमिकोर्डेटा में नोटोकोड तो वहाँ भी नहीं होती, वहाँ स्टोमोकोड होती है, स्पेशल एक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो वहीं बताएंगे हेमिकोर्डेटा में। उसके बाद आते हैं आपके कोर्डेटा। चलिए नेक्स्ट शुरू होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फीचर एज मेंशन्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन गिवन 4.4। आगे एक टेबल बना के दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक टेबल यहाँ पर बना के दिखाई है आपको, ये टेबल है जो कि थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को बता रही, जो पीछे आपने पढ़ा है उसी को समझा रही है टेबल, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ क्लासिफिकेशन करके दिखा बता देता हूँ, ठीक है, एनिमल किंगडम का, उसके सब किंगडम्स में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए सबसे पहले, सबसे शुरू में हम लिखते हैं यहाँ पर एनिमल किंगडम। सबसे पहले हमारा क्या होगा, एनिमल किंगडम होगा, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हम दो सब किंगडम में बांट देते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम हमारा दो सब किंगडम में बढ़ जाता है, जिनमें से एक हमारा होता है मेटाजोआ और एक हमारा होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ तो आपके चले गए अलग, मतलब तो सिंगल सेल यूकेरियोट थे और इसके प्रोटोजोआ के अंदर में एक ही फाइलम आएगा प्रोटोजोआ, ठीक है ना। दूसरे हमारे होते हैं मेटाजोआ, मेटाजोआ में आपके फिर इंफ्रा किंगडम्स आते हैं नीचे तीन,
उनको कहते हैं मीजोजोआ, मीजोजोआ। दूसरा होगा आपका पैराजोआ। तीसरा आपका होगा यूमेटाजोआ। ठीक है ना, तो तीन में बांट देते हैं। पैराजोआ में आएंगे आपके पोरीफेरा, ठीक है। यूमेटाजोआ में आपके आएंगे सीलेंटेटा से लेकर के कोर्डेटा तक, ठीक है ना। तो शुरुआत जो आपके पैराजोन्स हैं, और पैराजोआ में आपके कौन आएंगे, पोरीफेरन्स, जो कि आपके क्या हैं, स्पॉन्जेस हैं। पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा आएगा। और जो आपका यूमेटाजोआ है, इसमें आपके आएंगे लेकर के सीलेंटेटा से। चलिए इसमें नीचे और डिवाइड करते हैं पहले, तब आपको बताएंगे, ठीक है। ये हमने इसमें नीचे क्या बनाए थे, इंफ्रा किंगडम्स। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, इंफ्रा किंगडम। इंफ्रा किंगडम्स, अगर आप इसको और नीचे बांटोगे यूमेटाजोआ को, तो उसको कुछ ग्रेड्स में बांट देते हैं। दो ग्रेड हैं उसमें, एक आपकी ग्रेड है रेडिएटा, एक है आपकी बाइलेटेरिया। एक तो आपकी है रेडिएटा, एक आपकी है बाइलेटेरिया। देखिए रेडिएटा मतलब कि जिनमें रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटेरिया मतलब जो कि बाइलेटल है। ऊपर आपने देखा कि ऊपर हमने बना दिया ये तीन, ठीक है। ये किसमें, मेटाजोआ में, ठीक है। और मेटाजोआ के नीचे फिर यू मेटाजोआ मतलब जो ट्रू में जो मेटाजोन्स हैं उनको, ठीक है, उनको तीन दो में बांटा गया ग्रेड में। एक आपका बाइलेटेरिया में बांटा गया, दूसरा आपका बांटा गया रेडिएटा में। अगर आप रेडिएटा में जाओगे तो रेडिएटा में आपको मिलेगा सीलेंटेटा, फाइलम, फाइलम सीलेंटेटा। ये आपके कैसे हैं, रेडियल सिमेट्री रखते हैं। और अगर आप पायलट एरिया को और नीचे सब डिवाइड करते हैं, तो और सब डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा नीचे एसीलोमेट्स। एसीलोमेट्स जिनमें कि सिलोम नहीं है। दूसरे आपको मिलेंगे कौन, स्यूडोसिलोमेट, जिनमें कि आपकी क्या है, स्यूडोसिलोम है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी वो एस्केलमेन थीज, स्यूडोसिलोमेट। एक आपकी कैटेगरी क्या आएगी, यूसिलोमेट, ट्रू सिलोम जिसमें है, ठीक है ना। एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट में आपका कौन सा फाइलम आता है, प्लेटी, हेलमेंथीज, स्यूडो में आपका एस्केलमेंथिस, यूसिलोमेट में आपके कौन आएंगे, यूसिलोमेट में आपके आएंगे फिर नीचे दो दो कैटेगरी आएंगी। एक तो आपको मैंने बताया था कि यूसिलोमेट में सिलोम जो है वो एक तो होती है शाइजोसिलोमेट, शाइजोसिलोम जो कि मेजोडर्म के सेपरेशन से बनती है, कल बताया था ये। और एक आपके जो गट से सिलोम मीजोडर्म बनती है उससे, उसे कहते हैं इंटेरो सिलोमेट। तो दो कैटेगरी हो जाती है, एक हमारी एंटेरो सिलोमेट, एक हो जाती है साइजो सिलोमेट। एंटेरो में आपको पता है कौन कौन आते हैं, एंटेरो के अंडर में आपके आएंगे इकाइनोस और कोर्डेट्स, ठीक है ना। और यहां आपके जो आएंगे वो आएंगे कौन, मोलस्का, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा। तो इस तरह से पूरा आपका डिवीजन है, ठीक है ना। यहां इन्होंने जैसे बताया कि भाई सेल्यूलर लेवल जिनमें होता है वो एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, पोरीफेरा होते हैं। इन्होंने बताया कि रेडियल सिमेट्री होती है,
रेडियल वाले आपके सिलोमेट में कौन आएंगे, सिलेंटेटा टीनोफोरा आएंगे, निडेरिया भी कहते हैं इसको। टिश्यू में आपके फिर आएंगे कौन, रेडियल और बाइलेटल। रेडियल और बाइलेटल, बाइलेटल में फर्दर इन्होंने देखो क्या किया, बाइलेटल में देखो ए सिलोमेट है, सुडो सिलोमेट है और सिलोमेट है। सिलोमेट में इन्होंने बताया एनिलेडा ऑर्थोपोडा मोलस्का, उसमें एनिलेडा ऑर्थोपोडा मोलस्का में ये ऊपर वाले तीनों आपके कैसे हैं, शाइजो सिलोमेट हैं, और नीचे वाले जो हैं आपके ये कैसे हैं, एंटेरो सिलोमेट हैं। तो ये कुछ इसका क्या है, डिवीजन है। इस तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये टेबल बना के बताइए, तो अब आप ऐसा टेबल बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर शुरू किया है इन्होंने फाइलम पोरीफेरा को, ठीक है। पोरीफेरा के एक एक कैरेक्टर को आप देखिए समझिए शुरुआत से। चलिए शुरू करते हैं। देखो पोरीफेरेंस आपको पता है, जैसे कि नाम से ही आपका पता चल रहा है कि भाई पोरीफेरा जो होते हैं वो आपके जिनकी बॉडी में पोर होते हैं उसको हमने किस में रखा हुआ है, पोरीफेरा में रखा हुआ है। जिनकी बॉडी में आपको पोर मिलते हैं दे आर पोरीफेरेंस, ठीक है। ये आपकी जो स्पॉन्ज नेचर है, एक साइंटिस्ट थे एलिस उन्होंने बताई थी, और ये टर्म जो है पोरीफेरा एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ग्रांट उन्होंने दिया था, तो ये सब आजकल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको ये पूछा जाए कि एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज को क्या कहते हैं, ये सवाल आ सकता है, उसको ओलिंथस कहते हैं। कई बार ये सवाल आ जाता है कि ओलिंथस इज, ओलिंथस क्या क्या वर्ड है, तो ओलिंथस का मतलब होता है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जेस, उसको क्या कहते हैं, ओलिंथस कहा जाता है। देखिए आप समझिए बात, पोर जो शब्द है उसका मतलब है पोरस, फेरे का मतलब होता है रखना, टू बियर, इसी पूरे वर्ड से बनता है पोरी फेरा। ये आपके फ्रेश वाटर हो सकते हैं, ज़्यादातर मैराइन होते हैं, तो ये नीट में सवाल आता है यहाँ से ना, जनरली मैराइन, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट कर देते हैं यहाँ पर, इसको लिखते हैं जनरली फ्रेश वाटर एंड मोस्टली एसिमेट्रिक एनिमल्स, ऐसा लिखते हैं। तो बच्चों को ना इतना ध्यान नहीं रहता है ना कि जनरली ये मैराइन थे कि जनरली फ्रेश वाटर थे। देखिए ऐसा है, सारे एक्वेटिक होते हैं ये अलग बात है, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, और ज़्यादातर जो होते हैं वो मैराइन होते हैं, तो ज़्यादातर मतलब समुद्री होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और एक और ख़ास बात होती है कि ये आपके ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आपके ससाइल एनिमल्स होते हैं। ससाइल का मतलब ये होता है कि ये चलते नहीं हैं, मतलब ससाइल मतलब एक ही जगह अटैच्ड, ठीक है ना, समझ आई ना, कैसे होते हैं, एक ही जगह पर अटैच्ड होते हैं, और इनके अंदर सिमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, ए सिमेट्रिक होती है, मतलब तो कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, किस कहीं कहीं पर कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, तो भले ही चाहे कॉलोनी बनाकर रहें चाहे कैसे भी रहें, तो भैया ससाइल ही रहेंगे, ससाइल ही होंगे। लिखा है दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलर एनिमल एंड हैविंग सेलुलर लेयर, आपको पीछे से बता दिया गया है कि पोरीफेरा में आपका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका कैसा है, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू इशू नहीं होते हैं, हर एक काम यहाँ सेल्स देखती होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, इसके अंदर क्या मिलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम मिलता है, या फिर वाटर कैनाल सिस्टम इसको कहा जाता है। तो एक बार आप वाटर कैनाल सिस्टम को देख लीजिए, देखो आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें क्या है, बॉडी में इनकी पोर्स मिलते हैं, उन पोर्स को ओस्टिया कहते हैं, ठीक है। वाटर जो है ओस्टिया से अंदर जाता है, अंदर की जो कैविटी होती है, ये कैविटी जो होती है इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील, अंदर जो कैविटी होती है इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील, और ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनको कहते हैं ओस्टिया। पानी ओस्टिया से अंदर जाएगा, स्पॉन्जोसील में जाता है, पानी के साथ ही फूड अदर सब्सटेंसेस इस पानी के साथ ही जाते हैं, और अंदर का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऊपर से ओस्कुलम के थ्रू, ये आप क्या है ओस्कुलम है, ओस्कुलम के थ्रू पानी ऊपर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। बॉडी में आप सामने की तरफ देख सकते हैं, बाहर की तरफ बॉडी के जो वॉल है इसमें आपको कुछ स्पिक्यूल्स लगे दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके क्या है स्पिक्यूल्स हैं। तो बॉडी इनकी कैलकेरियस भी होती है और प्रोटीन की बनी भी होती है, अलग अलग तरह के आपके स्पॉन्जेस होते हैं। सबसे अंदर आपको जो अंदर की लाइनिंग है इसमें आप ध्यान से देखो, आपको कुछ फ्लैजिलेटेड सेल्स लगी हुई दिखाई दे रही होंगी, जिनकी फ्लैजिला जो है वो अंदर की तरफ है,
ये ही यहाँ पर स्पॉन्जोसील में वाटर करंट पैदा करते हैं, और ये फ्लैजिलेटेड जो सेल्स हैं जो अंदर लगी हुई हैं इनको हम कहते हैं कोएनोसाइट्स या फिर कोलर सेल्स। तो ये बहुत स्पेशलिटी है आपके स्पॉन्जेस की कि भाई इनके अंदर आपको कोएनोसाइट्स मिलती हैं। कोएनोसाइट्स आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये एनसीईआरटी नहीं कह रही है फ्लैजिलेटेड हैं, मेडिकल में आपसे पूछा जाएगा कि भाई फ्लैजिलेटेड होती हैं नहीं होती हैं, इनको हम कहते हैं कोलर सेल्स। और ये अंदर जो स्पॉन्जोसील है उसको लाइन करके रखती हैं, पूरा लाइनिंग में स्पॉन्जोसील की यही होती हैं, और दे आर डाइजेस्टिव सेल, डाइजेशन में ये हेल्प करती होती हैं। ठीक है, फिर इसमें आपको मैंने बताया था कि यहाँ लिखा है कि भाई कई तरह की सेल्स होती हैं, सेल्स अलग अलग काम करती हैं, वो हम आपको अलग अलग बताएंगे क्या क्या सेल का काम होता है। तो ये आपका कहलाता है वाटर कैनाल सिस्टम। फिर टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम है, अलग अलग स्पॉन्ज में अलग अलग तरह का मिलता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पानी आपका यहाँ से अंदर जाता है पोर से होता हुआ, और पानी के साथ ही वेस्ट भी बाहर निकल जाता है। यहाँ लिखा है कि भाई वाटर एंटर थ्रू द ओस्टिया एंड द बॉडी इनटू कैनाल सेल कैविटी स्पॉन्जोसील एंड फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। पानी फिर है ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। एंड दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, तो इसमें इससे देखो तीन काम होते हैं, फूड गैदरिंग होती है, रेस्पायरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब सब कुछ इसी से ही होता है। तो यहाँ आपको पता चल गया होगा ना तो यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता होगा ना यहाँ कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम होता होगा। ठीक है, दूसरी बात, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में अगर हम लाइनिंग्स की बात करें तो भाई लाइनिंग के नाम पर इनकी बॉडी में आउटर जो लाइनिंग होती है उसको कहते हैं पिनेकोडर्म, और जो अंदर होती है उसको कोएनोसाइट की वजह से क्या कहते हैं, कोएनोडर्म। ठीक है ना, और उसके बीच में क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके बीच में जिलेटिनियस नॉन सेलुलर मीजोग्लिया या मीजेनकाइम भरा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई आउटर वॉल, ठीक है ना, आउटर वॉल आपकी क्या है, पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म। ठीक है, इनर वॉल आपकी क्या है, कोएनोडर्म। इनर आपकी है कोएनोडर्म, और इनके बीच में इन बिटवीन जिलेटिनस मीजेनकाइम है। इनके बीच में क्या भरा हुआ है, जिलेटिनस मीजेनकाइम भरा होता है। ठीक है, बॉडी स्केलेटन की बात करेंगे तो बॉडी स्केलेटन जो है दो तरह का होता है, कैलकेरियस भी होता है, कैल्शियम का बना हुआ, और प्रोटीन का बना भी होता है, उसके आधार पर ही इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि यहाँ द बॉडी सपोर्टेड, देखो लिखा है डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुरुआत में आपको पता है ना यहाँ डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम तो नहीं हो सकता अभी से ही, क्योंकि इनके अंदर तो सेल है, सिस्टम की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ जो डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है, यानी जो आपका जो फूड है वो जब इसके कैविटी में जाएगा, फूड कैविटी में से सेल्स ले लेंगी और सेल विल डाइजेस्ट द फूड। सेल का काम होता है कि वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये जो आपकी इंटरसेलुलर, जो आपकी कोएनोसाइट की जो फ्लैजिला है, ये आपकी यहाँ वाटर का फ्लो बनाने में हेल्प करती हैं, फोर्स ऑफ वाटर जनरेट करती हैं, यानी वाटर करंट पैदा किया जाता है स्पॉन्जोसील के अंदर। लिखा है द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन का बना हुआ बॉडी स्केलेटन होता है। सेक्स आर नॉट सेपरेट, सेक्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही होते हैं, सेपरेट नहीं होते। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब वही बाइसेक्सुअल को ही कहते हैं। एग और स्पर्म जो है एक ही इंडिविजुअल बनाता है। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो देखो ध्यान रखना कि स्पॉन्जेस आपके जो, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्पॉन्जेस में जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है और जेम्यूल से होता है। किससे होता है, ए सेक्सुअल आपका एक तो फ्रेगमेंटेशन से होता है और किससे होता है, जेम्यूल से होता है। जेम्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है, ए सेक्सुअल के लिए बडिंग करते हैं, बडिंग फिजन और जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल आपका होता है इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग करते हैं, वो आपकी 12th क्लास में शुरुआत में बताया गया है। तो आपको मैं यहाँ बता दूंगा कि अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट लिखा मिले कि भाई ऑल ऑल जो ऑल स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई जेम्यूल्स फॉर्मेशन, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही होता है। यहाँ हम लिख देते हैं और बाई बडिंग, बडिंग से भी कर लेते हैं और फीजन से भी कर लेते हैं और जेम्यूल फॉर्मेशन से भी कर लेते हैं। ठीक है, तीन तीन तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं।
नेक्स्ट लिखा है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? इंटरनल है, ऐसा नहीं कि बाहर वाटर में हो रहा है। डेवलपमेंट इंडायरेक्ट है, यानी इनकी लाइफ में लार्वा मिलते हैं। लार्वा के नाम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एम्फी ब्लास्टुला और पेरन कायमुला लार्वा मिलते हैं। लार्वा मतलब ये होता है कि एडल्ट से पहले वाली स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं और फिर उनमें मेटामोर्फोसिस यानी चेंजेस 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 आने के बाद में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एनसीईआरटी ने जो दिया है वो यहाँ तक का दिया है इतना। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है एनसीईआरटी में वो दी है वाटर कैनाल सिस्टम, क्वेनोसाइट्स का होना, ठीक है, स्पॉन्जोसील कैविटी, स्केलेटन के बारे में बात की। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा, जो कि आपके टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करते हैं, कितनी तरह की सेल्स इसके अंदर मिलती हैं और उन सेल्स का क्या क्या फंक्शन होता है, कौन सी सेल किस काम में भाग लेती है। क्योंकि आपको पता है कि भाई आपके जो स्पॉन्जेस होते हैं उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ठीक है ना। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलना मतलब यहाँ सारा काम किसका होता है? सेल्स का होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसी है? सेल्यूलर लेवल है। तो उसमें सबसे नंबर वन जो सेल है आपकी वो है आपकी पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट आपको देखो डायग्राम में दिख रही है, बाहर लिखा हुआ पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स का काम क्या होता है भाई? पिनेकोसाइट्स आपकी बॉडी की आउटर लेयर बनाती हैं, पिनेकोडर्म, फॉर्म पिनेकोडर्म। क्या बनाती हैं? पिनेकोडर्म। दूसरी हमारी जो सेल्स होती हैं वो हम डायग्राम में आपको वो भी दिख रही होंगी, पोरोसाइट, पोरोसाइट, ठीक है। पोरोसाइट आपकी क्या करती हैं? ये होलो सेल्स होती है, जो आपको जो पूरा लंबा दिख रहा है ना अंदर तक गया हुआ, ये होलो सेल्स होती हैं और ये क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं। इसमें आप देखोगे कि अभी हम आपको सिस्टम पढ़ाऊंगा ये, तो ये इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल्स को कनेक्ट करती हैं, पानी अंदर ले जाने को कनेक्ट करती है। तो हम लिख देते हैं कि दीज आर होलो सेल्स, ठीक है, होलो सेल्स फॉर एंट्रिंग ऑफ वाटर, वाटर की एंट्री के लिए होती है। थर्ड टाइप की हमारी सेल्स जो होती हैं वो है आपकी क्वेनोसाइट, क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स जो आपकी कैसी होती हैं, ये नीट में आने वाला सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फ्लैजिलेटेड कैसी हैं? फ्लैजिलेटेड, ये नहीं भूलना है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैजिलेटेड होती हैं, इनको कहते हैं कोलर सेल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल होती हैं नेचर में, ये पूछते हैं कि दीज आर कॉन्ट्रेक्टाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स, ठीक है ना। ये क्या करती हैं? दे प्रोवाइड द फोर्स, प्रोवाइड द फोर्स फॉर वाटर सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन के लिए फोर्स डेवलप करती है, ठीक है। चौथी टाइप की हमारी सेल्स जो होती हैं उनको कहते हैं आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, ठीक है। आर्कियो से आपको पता है ना, आर्कियो मतलब आर्किटेक्ट, मतलब ऐसे सोचना कि कुछ भी बना देंगे ये, ठीक है। ये टोटिपोटेंट सेल होती हैं, टोटिपोटेंट सेल, टोटिपोटेंट सेल आपकी उसको कहा जाता है जो आपकी कुछ भी बनाने में सक्षम हो, एनी टाइप ऑफ सेल को प्रोड्यूस कर सकती हैं, प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ सेल, ठीक है, किसी भी तरह की सेल को प्रोड्यूस कर देंगी। नेक्स्ट हमारा होता है मीजोसाइट्स, सॉरी थीजोसाइट्स, THESO, थीजोसाइट। थीजोसाइट आपकी क्या करती हैं? फूड स्टोरेज। क्योंकि यहाँ सारा का सारा डिवीजन ऑफ लेबर, आपने पीछे एक लाइन पढ़ी थी कि यहाँ सेलुलर डिवीजन ऑफ लेबर है, सारी सेल्स अपना अपना अलग अलग काम करती हैं। फूड स्टोरेज का काम है आपका किसका? थीजोसाइट्स का। नेक्स्ट आपकी होती हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स का काम क्या होता है? फॉर्म
स्पिक्यूल्स, जो आपके पीछे इन्होंने लिखा ना स्पिक्यूल्स, इनकी बॉडी में जो स्पिक्यूल्स मिलते हैं उनको बनाने का काम कौन करती है? स्क्लेरोब्लास्ट सेल का काम होता है। नेक्स्ट आपकी सेल्स होती हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल आपको पता ही है ये क्या बनाती हैं? गैमेट बनाती है, ठीक है ना? ये क्या फॉर्म करेंगी? गैमेट को फॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि भाई ये आपके, इन्होंने लिखा ना कि इसके अंदर जो है स्केलेटन जो है वो दो तरह का, इन्होंने लिखा है स्केलेटन जो है वो स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जिन का बना हुआ होता है। तो हम बता दें आपको कि भाई एक तो इनके अंदर, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ स्केलेटन के बारे में, स्केलेटन, तो भाई एक तो स्केलेटन इनमें कैसा होता है? स्पिक्यूल्स का। स्पिक्यूल्स आपके कैसे होते हैं? सिलिका या कैल्शियम के। स्केलेटन में आपका होता है कैलकेरियस, कैलकेरियस और सिलीसियस। सिलीसियस मतलब सिलिका के बने हुए, सिलीसियस स्पिक्यूल, ठीक है। कैलकेरियस और सिलीसियस स्पिक्यूल्स होते हैं, इनका बना होगा या तो स्केलेटन, या फिर आपका जो स्केलेटन बना होगा स्पॉन्जिन प्रोटीन का, स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना हुआ स्केलेटन होता है, ठीक है भाई। जहाँ कैलकेरियस होता है तो वो तो आपके वैसे स्पॉन्ज होते हैं थोड़े हार्ड, और जो स्पॉन्जिन के बने होते हैं दे आर सॉफ्ट, और इसी की स्केलेटन के आधार पर इसमें डिवीजन किया गया है। तो आपको वो डिवीजन तो इतना ज़्यादा नहीं बताना है। कैलकेरिया, हेक्सेनिलर्डा, डेमोस्पॉन्जी, इस तरह के स्पॉन्जेस होते हैं। यहाँ इन्होंने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स में इन्होंने बताया कि साइकोन है, यूस्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिला है, यही नाम बताए हैं। तो इसके पेज, अगले पेज पे इन्होंने थोड़े से एग्जाम्पल और दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या दिए हैं। यहाँ एग्जाम्पल में दिया है साइकोन, साइकोन आपका, इसका दूसरा नाम होता है साइफा, ठीक है। साइकोन आपका कैल्शियम का है तो इसको हम कैलकेरिया कह देते हैं, कैलकेरियस, ये आपको ताकि इतना तो ध्यान रहे कि कौन से की बात चल रही है। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है स्पॉन्जिला, इसको आप ध्यान रखें, स्पॉन्जिला आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और इसमें आपको क्या मिल जाता है? सिलीसियस स्पिक्यूल्स मिल जाते हैं, या तो सिलिका के बने मिल जाते हैं और या फिर स्पॉन्जिन मिल जाते हैं, दोनों ही मिल जाते हैं। यू स्पॉन्जी आपका क्या कहलाता है? बाथ स्पॉन्ज। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बताओ भाई बाथ स्पॉन्ज आपका कौन सा है, ये आपका क्या होता है? यू स्पॉन्जी। अब या तो इनमें जो है स्केलेटन होता है या नहीं होता है, होता है तो किसी किसी में सिलिका का होता है, किसी में स्पॉन्जिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल होता है यूप्लेक्टेला, ये सवाल आता है पेपर में ना कि यूप्लेक्टेला, ये पूछेंगे आपसे कि भाई ये बताओ वीनस फ्लावर बास्केट किसको कहते हैं? वीनस फ्लावर बास्केट, तो वीनस फ्लावर बास्केट आपका कहलाता है यू प्लेक्टेला, ठीक है ना? क्या कहलाता है? यू प्लेक्टेला। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और एक एग्जाम्पल और आपका दे देता हूँ, ल्यूकोसोलिनिया, ठीक है। ये भी आपके क्या होते हैं? स्पॉन्जेस होती हैं, ल्यूकोसोलिनिया, सोलेनिया। तो ये था भाई आपका स्पॉन्जेस के बारे में, पीछे लिखा है कि डायरेक्ट इन वो क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इनके लाइफ में लार्वा मिलते हैं। मैं दो लार्वा का एग्जाम्पल आपको यहाँ बता देता हूँ। वैसे तो आपको लार्वा आजकल नहीं पूछे जाते, पर फिर भी मैं आपको लार्वा का नाम बता देता हूँ। लार्वा इसका होता है पैरेन्काइमुला, और दूसरा लार्वा का नाम है एम्फीब्लास्टुला। एक तो है पैरेन्काइमुला और दूसरा लार्वा आपका एम्फीब्लास्टुला। ये पूछ लेते हैं कई बार कि भाई एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका है, तो आप बताए ना स्पॉन्जेस का लार्वा क्या होता है? एम्फीब्लास्टुला, या फिर इनमें से कौन सा लार्वा स्पॉन्ज का है, तो वो आपका आंसर होता है पैरेन्काइमुला, ठीक है। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपसे आ सकता है आपसे कि किस वाटर कैनाल सिस्टम, इसमें स्पेशल चीज है इस चैप्टर, इस टॉपिक में वाटर कैनाल सिस्टम का होना। तो यहाँ टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, जिनमें से तीन टाइप का आपका वाटर कैनाल सिस्टम होता है। तीन टाइप के आपको केवल इतना इतना बस अभी के लिए आप याद रखें कि कौन से में कैसा टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है ना? अगर हम वाटर कैनाल सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो जो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपके अभी पेपर में इतना ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन कम से कम इतना ज़्यादा पूछा जा सकता है कि भाई कौन से स्पॉन्ज में किस तरह का वाटर कैनाल सिस्टम होता है। तो हमारा तीन तरह का वाटर कैनाल सिस्टम होता है। एक हमारा होता है एस्कॉन टाइप,
एस्कॉन टाइप का डायग्राम आप पीछे देखा है, जो आपके पीछे डायग्राम मैंने दिखाया है वो आपका एस्कॉन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम था, ठीक है। एस्कॉन टाइप आपका किस में मिलता है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। एस्कॉन टाइप आपका ल्यूको सोलेनिया में मिलता है, ठीक है। एस्कॉन टाइप सबसे सिंपल होता है, जिसमें वाटर ओस्टिया से अंदर आता है और स्पॉन्जोसील में जाता है और फिर बाहर निकल जाता है। ये सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले टाइप का यही होता है सिंपल वाला। दूसरा आपका होता है साइकोन टाइप। साइकोन टाइप में थोड़ा सा ऐसा है, पानी जो है एक दो कैनाल से होकर के मुड़के जाता है, ठीक है। तो इसका आपका एग्जांपल है साइकोन, ठीक है। यहाँ तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया कि वाटर करंट जो जनरेट होता है वो स्पॉन्जोसील में होता है, यहाँ वाटर करंट जनरेट होता है ये सब आप आजकल आ नहीं रहा है ज़्यादा ना, वाटर करंट जनरेट इन कैनाल, वो भी कौन सी, रेडियल कैनाल, ठीक है। थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट एडवांस टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम कौन सा होता है। तो मोस्ट एडवांस टाइप का जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है वो आपका होता है ल्यूकोन टाइप, ठीक है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, सिंपल और एडवांस। देखो बच्चे क्या करते हैं, ल्यूकोन टाइप में ल्यूकोसोलिनिया लगा देते हैं और खुश हो जाते हैं, उनका सवाल गलत होता है। तो ल्यूकोन टाइप द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम दैट इज प्रेजेंट इन द एडवांस स्पॉन्जिस लाइक स्पॉन्जिला, किस में होता है, स्पॉन्जिला में होता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है अभी, इसमें ये नहीं बताना कि भाई कौन से में पानी कहाँ से जाता है। वैसे तो इसमें पूरा सिस्टम होता है कि इनकमिंग वाटर डर्मल ओस्टिया से होकर के इन करंट कैनाल से, प्रोस्पाइल से, रेडियल कैनाल, एपोपाइल, स्पॉन्जोसील ऐसे जाता है। तो अभी क्या है, आजकल बच्चों से इतना ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा है, यही पूछने तो बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं पूछेंगे। बस ये पूछ सकते हैं कि मोस्ट एडवांस कौन सा है या फिर मोस्ट प्रीमिटिव कौन सा सिस्टम होता है, इतना पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछने। मोस्ट एडवांस आपका कौन सा है, ल्यूकोन टाइप होता है। तो ये था आपका स्पॉन्ज के बारे में, इससे अगर आपके क्वेश्चन बन जाएंगे स्पॉन्जेस के ज़्यादा ही हो गया है तो, ठीक है। कोएनोसाइट का ही पेपर में सवाल आता है, कोएनोसाइट, कोलर सेल्स, इतना ही पूछता है पेपर आपका, इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा होता, ठीक है। या फिर पूछते हैं वाटर कैनाल सिस्टम बता दो भाई, तो इतना आप आज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम जो है सिलेंडर से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।